मंडला आयुक्त प्रयागराज मंडल आर.एस. रमेश कुमार ने गांधी सभागार में ग्राम विकास तथा पंचायती राज विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। बैठक के दौरान उपस्थित अधिकारियों के साथ मंडला आयुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ODOP योजना, कायाकल्प परियोजना, स्वास्थ्य स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बनाए जा रहे शौचालय, सामुदायिक शौचालय, पाइप्ड पेयजल योजना आदि योजनाओं के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। मंडला आयुक्त ने कहा कि पाइप्ड पेयजल योजना के अंतर्गत हर घर में नल का कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने से सरकार की योजना में जनहित में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योजना है। संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेते हुए इस योजना से हर घर को शीघ्रता से लाभान्वित कराएं। इसके अतिरिक्त स्कूलों के कायाकल्प कार्यक्रम के तहत कराए जाने वाले कार्यों में शौचालय, पेयजल व टाइल्स आदि का कार्य प्राथमिकता से कराएं, जिससे विद्यार्थियों को स्कूलों में एक अच्छा वातावरण प्राप्त हो सके। बैठक में उपस्थित DPRO ने बताया कि कायाकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत 3200 स्कूलों में कार्य कराया जाना है, जिसमें से लगभग 1100 स्कूलों में कार्य पूर्ण होने वाला है तथा लगभग 1575 स्कूलों में कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त 400 स्कूलों में ही शीघ्र कार्य शुरू कराया जाएगा। मंडल आयुक्त ने कहा कि सभी मंडलीय अधिकारी सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा करें और लक्ष्य के सापेक्ष वांछित प्रगति न होने पर संबंधित जिलों के जिलाधिकारी के संज्ञान में लाते हुए संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय करें। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।